नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं दिव्यांशु। खबर पूर्णिया जिले से है, जहां सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं। जी हां, पप्पू यादव तो वैसे भी एक्शन में नजर आते हैं, जब वो सांसद नहीं थे तब भी एक्शन में नजर आते थे। सड़क की राजनीति वो करते हैं और आक्रामक राजनीति के लिए जाने जाते हैं। किस तरीके से उन्होंने पटना में बाढ़ और कोरोना के समय किस तरीके से लोगों की मदद की, उन्होंने सड़कों पर दिखे पप्पू यादव। और एक बार फिर से पप्पू यादव एक्शन में आ गए हैं, और जब से सांसद बने हैं तब से फुल ऑन एक्शन मोड में हैं वो। और आज पूर्णिया के इंदिरा गांधी स्टेडियम रोड स्थित पथ निर्माण विभाग कार्यालय वो पहुंच गए, और कार्यालय में उनके पहुंचने से हड़कंप मच गया। औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे पप्पू यादव विभाग का, और मौके पर कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग अपने कार्यालय से नदारद दिखे। जब पप्पू यादव वहां पर पहुंचे तो जो अभियंता हैं, कार्यपालक अभियंता है पथ निर्माण विभाग के, वो ऑफिस में नहीं थे, अपने कुर्सी पर अपने केबिन में नहीं थे। जिसमें पप्पू यादव ने कहा कि एसी चल रहा है यहां पर, लेकिन माननीय जो अधिकारी हैं वो यहां पर नहीं हैं, तो जल्दी से उन्हें बुलाइए। तो 10-15 मिनट की बात कही गई, लेकिन आधे घंटे बाद कार्यपालक अभियंता अपने कार्यालय पहुंचते हैं। इस दौरान पप्पू यादव ने कहा कि ऐसे तो काम नहीं चलने वाला है, हम इस तरह जनता के साथ खिलवाड़ होने नहीं देंगे। साथ ही उन्होंने पूर्णिया में हो रहे सभी चालू एवं पूर्ण हो चुके कार्यों का जायजा लिया और उपस्थित अधिकारी और कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से पप्पू यादव जब पथ निर्माण विभाग कार्यालय पहुंचते हैं तो किस तरीके का वहां पर माहौल हो जाता है, हड़कंप मच जाता है। अधिकारी ढूंढने लगते हैं एक दूसरे को, और कागजात पप्पू यादव देख रहे हैं कि किस तरीके से काम हुआ है और जो होने वाला है उसका वो जायजा लेने पहुंच गए, और जायजा ले भी रहे हैं पप्पू यादव। इंदिरा गांधी स्टेडियम रोड स्थित पथ निर्माण विभाग का कार्यालय है, जहाँ पर पप्पू यादव औचक निरीक्षण करने पहुँचे थे। तो पप्पू यादव के पहुंचने से एक तरफ हड़कंप मच गया, दूसरी तरफ उन्होंने कामों का जायजा लिया है, और जो भी काम हुए हैं उसका उन्होंने जायजा लिया, किस तरीके से कितनी राशि आवंटित हुई, कितनी राशि का उपयोग हुआ, और आगे जो काम होना है उसका भी उन्होंने जायजा लिया। जब कार्यपालक अभियंता वहाँ पर नहीं थे तो पप्पू यादव भड़क गए कि आखिर कहाँ हैं, ऐसे तो काम नहीं चलने वाला है। 15-20 मिनट की बात कही गई, लेकिन आधे घंटे बाद अधिकारी जी पहुंचते हैं वहां पर, और पप्पू यादव से उनकी सीधी सीधी एक नोकझोंक हो जाती है। नोकझोंक तो इसे नहीं कहेंगे, लेकिन पप्पू यादव काफ़ी गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि ऐसे तो काम नहीं चलने वाला है, जनता से हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो इस तरीके से पप्पू यादव सांसद बनते ही फुल ऑन एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। जब वो सांसद बने थे अगले ही दिन वो पहुंच गए थे सदर अस्पताल पूर्णिया, वहां भी उन्होंने निरीक्षण किया था, और आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पप्पू यादव ने की थी। जो पप्पू यादव पर आरोप लग रहे हैं, जो रंगदारी वाला मामला है, 1 करोड़ की रंगदारी का आरोप लगा है पप्पू यादव पर, पुलिस में FIR भी दर्ज हुई है। इसको लेकर पप्पू यादव ने आज पूरी स्टोरी बताई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किस तरीके से उन्हें फंसाया जा रहा है, किस तरीके से उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। यही नहीं, पप्पू यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि उन्हें मारने की भी साजिश रची जा रही है, उनको जान से मारने की साजिश रची जा रही है, और इसमें बड़े बड़े खिलाड़ी शामिल हैं। उन्होंने मंत्री, नेता, अधिकारी सबको वहाँ पर लपेट लिया और कहा कि किस तरीके से उनके खिलाफ पूर्णिया में और पूर्णिया से लेकर पटना तक उनके खिलाफ जो है एक गोलबंदी हो रही है, और लोग उन्हें परेशान करना चाह रहे हैं, और यहाँ तक कि उन्हें जान से मारने की साजिश भी रची जा रही है। तो फिलहाल पप्पू यादव एक्शन में हैं, इंदिरा गांधी स्टेडियम रोड स्थित पथ निर्माण विभाग कार्यालय पहुँचे औचक निरीक्षण करने, और जहाँ पर उन्होंने जायजा लिया है और अधिकारियों को उन्होंने दिशा निर्देश भी दिए हैं किस तरीके से आगे काम करना है, क्योंकि पप्पू यादव अब पूर्णिया के सांसद बन चुके हैं तो माहौल अलग है। इसमें एक प्रॉब्लम ये हुआ था सर, तक इसका वेरिएशन मिल गया था रिवाइज एस्टिमेट, एक्चुअली 2 साल रिवाइज एस्टिमेट
इसमें प्रॉब्लम बता रहे हैं सर, हुआ क्या है कि 2020 में अवार्ड हुआ और 22 जनवरी तक में ये 14 किलोमीटर में काम कर चुका था ये, और बाकी में से 2021 में जो फ्लड आया था तो उस समय इसका करीब 6 किलोमीटर पूरा सबमर्ज हुआ ये रोड, तो उसमें रिवाइज या चलो टाइम लग गया था, इसमें रिवाइज होने में 22 अप्रैल 2024 को इसी साल अप्रूवल बनने सुना आया था। पिछले साल सितंबर में सर इसका डिस्कोप हुआ 6 किलोमीटर जो उधर नौगछिया भागलपुर पड़ता है छोड़कर, बीच में गंगा है सर, महानंदा नदी का जो जो है डिस्ट्रीब्यूटरी वो जो रिवर है उसमें नदी कनेक्टिविटी ना होने से और वो आधा पोर्शन उधर 30 किलोमीटर डूबा रहता है। हाँ तो अभी सर वेरिएशन अप्रूव हुआ है, उसमें करीब जो 4 किलोमीटर जो अब 18.5 किलोमीटर हो गया था जिसमें 14.1 किलोमीटर रोड बना चुका था। रोड तो ये खबर रोहित ने भेजी थी पूर्णिया से, हमारे संवाददाता रोहित की ये रिपोर्ट है। फिलहाल के लिए इतना ही, तमाम अपडेट्स देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।